और ऐसा शास्त्रों में बताया जाता है कि परशुराम जी के पिता जमदग्नि ऋषि ने यहाँ पर कठोर तपस्या की थी। इधर हर जगह पर है। हाँ ये तो यहाँ पर नंदी महाराज देख रहे थे उस दृश्य को और आपातापी में उनके प्यार यहाँ पर पड़ गया और ये शिवलिंग अंदर दर्श किया। नर्मदे हर आज 6 जनवरी और सुबह के 7:30 बजे और रात्रि को हम मीठी तलाई के आश्रम में रुके थे। अब यहाँ से आगे समुद्र पोषकोशी के लिए जा रहे हैं और ये आश्रम परिसर है। नर्मदे हर बाबा जी। और ठंडी ठंडी सर्द हवाएं बह रही है और हमारे गणपति पानी भर रहे हैं बॉटल और यहाँ पर पानी देखिए पूरा टैंकर ही लोहे का रख दिया। लगा दीजिए क्या? हाँ आपको लग और भर के पियो। और यहाँ पर जो मीठी तलाई मीठे पानी का कुंड है, कहते हैं कि परशुराम जी और शस्त्र अर्जुन के बीच जो युद्ध हुआ उसमें शस्त्र अर्जुन के पूरे परिवार का नाश करने के लिए जो परशुराम जी ने संकल्प लिया था वो हाथ में जल लेकर लिया था और यहीं पर छोड़ा था। और नवनाथ में हमारा पहला तीर्थ आता है, ये कौन से है? लोमनाथ। समुद्र पंचकोशी को नवनाथ परिक्रमा भी कहते हैं, नवनाथ यात्रा भी कहते हैं। और उन तीर्थों में सबसे पहला तीर्थ है ये लोमनाथ महादेव। तो हम पहले लोमनाथ महादेव के दर्शन करेंगे और अपनी यात्रा आगे बढ़ाएंगे। और आश्रम से बाहर आते तो यहाँ पर देखिए भोलेनाथ का मंदिर है, लीमनाथ महादेव और दर्शन कीजिए। ये भी अत्यंत ही पौराणिक स्थल है, बहुत ही छोटे है। शंभो एक ही दर्शन कीजिए इन्हें लीमनाथ। और यहाँ लीमनाथ महादेव से बाहर निकलते हैं तो पास में ही बलियादेव महाराज है। और मैं कई बार वीडियो में बता चुका हूँ कि बलियादेव महाराज अर्थात बर्बरीक महाराज जिनके सिर्फ शीश की पूजा होती है। जय बलियादेव महाराज। बहुत ही सुंदर यहाँ पर बलियादेव महाराज का शीश रखा हुआ है, स्थापित किया गया है। और नर्मदा परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ना है तो मीठी तलाई से सीधा रास्ता निकल जाता है, मगर हम अभी वापस जेटी पर जा रहे हैं। जेटी अर्थात जहाँ पर नावें उतारती है परिक्रमा वासियों को, उस स्थान को जेटी कहते हैं। और जेटी से हम वापस हरिका धाम की तरफ जाएंगे। इसी मार्ग से हम आए थे, 1-1 किलोमीटर है जेटी यहाँ से। ओम सूर्यदेव। हे प्रभु थोड़ी गर्मी देना। और ये पूरा विस्तार औद्योगिक विस्तार है। हाँ हरिका धाम। और देखिए मैंने आपको भी जेटी से बताया था कि हरिका धाम की दूरी 2 किलोमीटर है जो मैंने सुन रखी थी, मगर इतना है नहीं। ये आ गया हरिका धाम और पीछे वो रहा जेटी, मुश्किल से 150 से 200 मीटर की दूरी पर है हरिका धाम आश्रम। और हरिका धाम को हरि महाराज का आश्रम भी बोलते हैं। यहाँ पर पहले कोई हरि नाम के महाराज रहे होंगे और उन्होंने के द्वारा ये निर्मित है, इसलिए इसे हरिका धाम बोलते हैं।
और यहाँ पर मोर बहुत बड़ी मात्रा में इस एरिया में देखिए, वहाँ पेड़ पर भी मोर है, रास्ते में भी 3-4 मोर थे मगर हमें देखकर भाग गए। यह है हरिका धाम आश्रम, बहुत ही सुंदर और पुरानी बनावट का है। और हरिका धाम में देखिए मार्कंडेश्वर महादेव, और यहाँ पर जमदग्नि ऋषि ने भी तपस्या की थी। जय बजरंगबली, हे गजानन महाराज। चतुर्मुखी शिवलिंग है यहाँ पर, और ऐसा शास्त्रों में बताया जाता है कि परशुराम जी के पिता जमदग्नि ऋषि ने यहाँ पर कठोर तपस्या की थी। उन्हीं के साथ यहाँ पर दो शिवलिंग और हैं, एक मार्कंडेश्वर जी के द्वारा स्थापित है और एक सुखदेव जी के द्वारा। शिवलिंग तो नए हैं, ये शिवलिंग पुराना है। इसे नर्मदा मैया है, पार्वती मैया और अन्नपूर्णा माता जी। और यहाँ पर देखिए, अभी मैंने बताया कि सुखदेव जी महाराज ने भी तपस्या की थी, तो उनकी भी यहाँ पर मूर्ति स्थापित है। और इस तरफ हरि महाराज की समाधि है जहाँ पर इन्होंने तपस्या की थी। बहुत ही सुंदर परिसर है, एकदम शांत। और देखिए कमान कितनी सुंदर बनाई हुई है। यहाँ पर देखिए किसी इंसान की प्रतिमा है, और इस तरफ हाथी, और ये लकड़ियों से बनाई हुई है। उस तरफ भी हाथी है, और यहाँ पर सिर्फ हाथी की सूंड है। बहुत ही सुंदर कलाकृति है। नहीं, अंदर राम जी का मंदिर है, चलिए भाई खोलो। अंदर से बंद है क्या? अंदर से महाराज जी ने बंद किया है, छोड़ दो छोड़ दो। और यहाँ पर देखिए छोटे छोटे नारियल गुच्छों में लगे। और वो बेबी नारियल गणपति जी, वो सब छोटे छोटे देखिए, बड़े होंगे भाई। अरे हाँ, वो तो होंगे। और हरिधाम दर्शन के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, और जैसे ही मंदिर से निकलते देखिए सूचना लिखी हुई है गुजराती में कि अमावस और पूनम के दिन यहाँ दरिया में भर्ती ज़्यादा आती है, तो किसी को समुद्र में नहाने के लिए जाना नहीं है वगैरह, सूर्यास्त के बाद किसी को जाना नहीं है, और पहले भी यहाँ पर बहुत सारी ऐसी दुर्घटनाएँ हो गई है, इसलिए किसी को जाना नहीं है, और छोटे बच्चों और वृद्धों को खास पानी में उतरना नहीं है। और ये गाँव है, ग्राम पंचायत लोहारा, ये लोहारा गाँव में आता है हरिधाम आश्रम। अब हरिधाम आश्रम के बाद हमारा जो दूसरा तीर्थ आता है वह है परशुराम तीर्थ। कितना दूर है भाई परशुराम तीर्थ? 2 से 2.5 किलोमीटर बता रहे,
मैप में देख के गणपत जी। उससे पहले एक ये रास्ते में कोई मंदिर भी है ना? मौनी बाबा आश्रम है और बहुत बड़ा आश्रम है ये। और ये आ गया जेटी, इसे सब विस्तार को जेटी बोलते हैं। ये देखो समुद्र का पानी यहाँ आता है और जहाज स्टीमर छोटे बड़े यहाँ तक आते हैं। और यहाँ पर देखिए भैंसे आ रही है और भैंसे खुद डरती है और हमें भी डराती है। आगे बढ़ो थोड़ी तेजी रखो, या वो पीछे मुड़ मुड़ के देख रही है। और तो यहाँ पर देखिए भैंसों पर बुगले महाराज बिना टिकट के सवारी कर रहे हैं। इनकी तरफ देखना मत, भैंस की तरफ सीधे सीधे बढ़ते रहो। और ये सारा क्षेत्र देख के समुद्र महाराज के बीहड़ में आता है, ये सारे बीहड़ है। और इस बीहड़ के पीछे ही समुद्र महाराज है। और अब हम समुद्र देव के किनारे किनारे चल रहे। ये वीडियो देखने के बाद बहुत से हमारे जो प्रशंसक है दर्शक है उनके मन में सवाल होगा कि क्या यह नर्मदा परिक्रमा का एक भाग है? तो ऐसी बात नहीं है, ये माँ नर्मदा परिक्रमा का भाग नहीं है, मगर इस क्षेत्र में बहुत सारे प्राचीन और पौराणिक तीर्थ हैं, इसीलिए इसकी भी यात्रा कुछ लोग करते हैं। हजारों में से दो तीन परिक्रमावासी इधर आते हैं, क्योंकि बहुतों को पता ही नहीं है और समय के अभाव से भी बहुत से लोग नहीं आते। हमें भी गणपत जी खींच लाए, वरना शायद हम भी नहीं आते। और इधर से हम हरिधाम आश्रम से एक आध किलोमीटर आते हैं तो यहाँ पर देखिए बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं। और यहाँ पर एक दीवार आती है, इसके सहारे सारे हमको सीधा जाना है। इस तरफ भी एक रास्ता है मगर इधर नहीं जाना हमें। अब यहाँ से परशुराम तीर्थ नज़दीक ही है, एक आध किलोमीटर। और यहाँ से हम इस दीवार के सहारे सहारे आते हैं तो यहाँ पर ये देखिए ये पेड़ आता बरगद का और इस तरफ समुद्र देवता दिखाई दे रहे। और समुद्र देव के पास में यहाँ पर है परशुराम तीर्थ, जहाँ पर भगवान परशुराम जी ने तपस्या की थी। ये देखिए परशुराम जी का मंदिर है, यहाँ पर कोई महाराज जी रहते हैं। और ये नीचे गुफा नुमा देखिए, यहाँ पर परशुराम महादेव का फोटो भी है, परशुराम भगवान का। जय भोलेनाथ, शिव शंभु, दर्शन कीजिए। और मंदिर काफी नीचे हो चुका है, गुंबज देखो पीछे से दिखाई दे रहा है, रास्ते से सिर्फ गुंबज दिखाई दे रहा है और मंदिर नीचे है। नजदीक से दर्शन कीजिए। देखिए काफी नीचे है अभी स्थान। बाहर ये दुगनी भी है, यहाँ पर कोई महाराज जी रहते हैं। और कंठ बजाने के लिए देखो ये रस्सी रखी हुई है। और ये देखिए मंदिर का गुंबज है और जिस जहाँ पर हम नीचे गए थे,
और ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर एक पत्थर की शिला थी जिस पर भगवान परशुराम जी ने बैठकर कई वर्षों तक तपस्या की थी, मगर अब उस शिला के दर्शन यहाँ नहीं होते हैं, उसे नीचे दबा दिया गया, ऊपर पता नहीं क्या है। सिर्फ सत ही है। और हवा बहुत ही तेज चल रही है। और इधर से हम आए, परशुराम महादेव का मंदिर है, और यहीं से रास्ता सीधा इस बाउंड्री वॉल के साथ साथ जाना है। और आगे से यहाँ पर से हमें एक भाई ने बताया है कि आगे इस दीवार में एक रास्ता है, जो सिक्योरिटी वाले को बोलेंगे तो वो रास्ता आगे से दिखाएगा। और अब यहाँ से आगे का तीर्थ हमारा आएगा लक्खा बाबा। आगे लक्खा बाबा आएंगे, तीसरा नंबर का तीर्थ एक ही है। ठीक ठीक। और यहाँ से दीवार पूरी होती है, आगे जाके यहाँ से राइट की तरफ हमें नीचे जाना। यहाँ से देखिए जो सामने गेट दिखाई दे रहा है, यहाँ से हमने अंदर एंट्री ली और सिक्योरिटी वाले भाई साहब को पूछ के यहाँ से इस कंपनी के अंदर से सीधा रास्ता, शॉर्ट रास्ता है, लक्खा बाबा जाएंगे। और ये देखिए भाई, इसमें रास्ता है और दोनों तरफ ही एक ही कंपनी, कंपनी के बीच से ये रास्ता जा रहा है। और इस रास्ते से हम बढ़ रहे हैं, लगभग पीछे से 400-500 मीटर तो आगे है, देखते हैं कहाँ निकलता है। और यहाँ से हम करीब 2 किलोमीटर चलकर आते हैं तो ये लक्खा बाबा का वो मेन गेट आ गया, प्रवेश द्वार। और यहाँ से एक शॉर्ट रास्ता बना हुआ है और इसी शॉर्ट रास्ते से हम मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। और ये देखिए लक्खा बाबा का स्थान है सामने, और इस तरफ लोटनेश्वर महादेव है। बहुत ही सुंदर और विशाल प्रांगण है, परिसर है। और अभी हम लोटनेश्वर महादेव के दर्शन करने जा रहे हैं, और इनकी भी बहुत ही रोचक कथा है। यहाँ पर लिखा लोटेश्वर, लोटनेश्वर से लोटेश्वर हो गया, दोनों नाम है। पहले दर्शन करते फिर आपको कथा बताता हूँ। चलिए आइए, बहुत ही प्राचीन और पौराणिक तीर्थ है लोटनेश्वर। ऐसा कहते हैं जब नर्मदा मैया सागर देव से संगम के लिए यहाँ पर आई तो समुद्र देव बहुत ही पसंद हुए और उनके स्वागत में लौटते हुए आए, इसीलिए इस स्थान को लोटनेश्वर कहता है कहते हैं। और दूसरी एक कथा ऐसी है, जय नंदी महाराज, हे बजरंग बली, जय गजानन महाराज। दूसरी एक कथा ऐसी है कि जब यहाँ पर शिवलिंग उत्पन्न हुआ मैया और सागर देव के संगम पर, तो यहाँ पर नंदी महाराज देख रहे थे उस दृश्य को, और आपातापी में उनके प्यार यहाँ पर पड़ गया और ये शिवलिंग अंदर धस गया। दूसरा शिवलिंग इस जलहरी से बाहर होते हैं मगर ये अंदर है। और ये देखिए इसमें निशान भी है नंदी महाराज के पैरों के, और ये नंदी महाराज के वजन की वजह से ये शिवलिंग जमीन में धस गया था। और ये लोटे के आकार के भी है तो इसे लोटेश्वर भी कहते हैं। बहुत ही पुरानी इमारत है, देखिए जर्जरित हो रही है और गिरती रहती है। लोटेश्वर और लूटनेश्वर। और
और लोटेश्वर महादेव से बाहर आते हैं तो ये लखा बाबा की समाधि है। बहुत ही सिद्ध संत हुए यहाँ पर। और लखा बाबा की समाधि के आसपास दूसरे भी जो यहाँ पर संत हुए उनकी भी समाधि आया, मगर लखा बाबा यहाँ पर बहुत ही सिद्ध संत हुए और उन्हीं के नाम से इस गांव का नाम लकी गांव पड़ा। इस तरफ भी कोई मंदिर है या समाधि है। और यहाँ पर भी ये मंदिर है, देखिए भगवान परशुराम जी विराजमान है। और यहाँ पर शिवलिंग नहीं है, भगवान का विग्रह है। और देखिए उस तरफ लक्का बाबा है, इधर भगवान परशुराम है और इस तरफ लक्का बाबा के गुरु की समाधि है। और लक्का बाबा की भी कहानी ऐसी है, देखिए पीछे इस कंपनी की वजह से पूरा कोयला उड़ के इधर आता है, कोयला ही कोयला है। ऐसा कहते हैं कि लक्का बाबा अपने गुरु से दीक्षा के लिए आए तो गुरु ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए और उनके हाथ पे थूक कर कहा कि ये थूक कहीं गिरना नहीं चाहिए। और लक्का बाबा ने वो गुरु का थूक ग्रहण कर लिया, तब गुरु ने उन पर पसंद होकर कृपा की। और ये उनके गुरु की समाधि है, उनके गुरु का नाम तो पता नहीं हमें, दर्शन कीजिए। देखिए शिवलिंग स्थापित है और संतों के समाधि पर शिवलिंग ही स्थापित होते हैं या फिर पादुका होती है। और यहाँ से अत्यधिक मात्रा में कोयला उड़ कर आता है। बहुत ही सुंदर और मन को पसंद करने वाला तीर्थ है। और मंदिर परिसर में देखिए बच्चों के खेलने के लिए झूले आदि भी है, ये बड़ों के लिए है, वो छोटों के लिए है। आइए झूला, नहीं नहीं हमें नहीं खाना है भाई। यहाँ पर देखिए इनका बचपन लौट आया, आओ आओ आओ, कोयले से मत डरो, कोयले तो इधर हर जगह पर है। हाँ ये एक बार और आना जाएंगे, एक बार और करो, नहीं नहीं दो बार करो, मैं ये नहीं करते ऐसी हरकतें बच्चों वाली। अरे तो एक बार और करो, साफ हो जाएंगे फिर। कोयला तो यहाँ हर जगह है, चले फिर। और ये छोटे बच्चों का झूला है और ये भी देखिए छोटे बच्चों के लिए। अरे बहुत बार हो गई।